आज मैं आपके लिए कहीं एक नई वीडियो, आप थंबनेल और टाइटल को देखकर समझ ही गई होगी मैं किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। तुलसी जी हर किसी के घर में होती हैं, हर किसी के घर में तुलसी माँ की पूजा होती है। तो अक्सर कर देखा है कि तुलसी हर किसी के घर में सूख सी जाती हैं, विंटर्स का मौसम हो या फिर गर्मियों के मौसम में तुलसी सूख जाती हैं। तो बहुत लोगों को यही दिक्कत रहती है कि तुलसी सूख गई है, ऐसा क्या करें, ऐसा क्या लगाएं तुलसी की जड़ में जिससे कि तुलसी हरी भरी रहे। तो आज ना मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे ना आपकी तुलसी कभी नहीं सूखेंगी, आपकी तुलसा जी हमेशा हरी भरी रहेंगी। चाहे उस पर आप देख सकते हैं इस जो मेरे यहाँ तुलसा जी लगी हुई हैं इन पर बीज आ रहा है, फिर भी ये हरी भरी हैं और इसमें नई पत्ते निकल रहे हैं। तो आपको करना क्या है, आपको हफ्ते में एक बार रॉ मिल्क कच्चा दूध तुलसी जी की जड़ में आपको अर्पित करना है, ठीक है ना। तुलसी जी की जड़ में आपको लगा देना है, 2 चम्मच के करीब आपको रॉ मिल्क लेना है, कच्चा दूध लेना है, कच्चा दूध तुलसी माँ की जड़ में आपको लगा देना है। आप यकीन करिए फ्रेंड्स, आपकी तुलसी जी कभी नहीं सूखेंगी, चाहे आप जाड़े के मौसम हो, चाहे गर्मियों का मौसम हो, कोई भी मौसम हो, आपकी तुलसी हमेशा हरी भरी रहेंगी, कभी आपकी तुलसी जी नहीं सूखेंगी। आप जरूर इसे अपनी तुलसी की क्यारी में डालें। अगर आपको लग रहा है कि आपकी तुलसी जी के पत्ते में कीड़ा लग गया है या फिर तुलसी जी सूखने लगी हैं, ना ही इससे तुलसी जी में कीड़ा लगेगा और ना ही आपकी तुलसी जी कभी सूखेंगी, वो ऐसी ही हरी भरी रहेंगी और उसमें नए पत्ते निकलते रहेंगे, चाहे उस पर कितनी भी बार बीज आ जाए। क्या होता है ना, बीज आने पर भी तुलसी जी सूखने लगती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी तुलसी जी में एक भी पत्ते में ना कीड़ा है और तुलसी जी हरी भरी हैं और इस पर बीज आ रहा है फिर भी ये हरी भरी हैं। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, अपना फीडबैक मुझे जरूर शेयर करना आपको क्या रिजल्ट मिला इससे। बाय बाय, थैंक यू।